वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एसआर क्लासेस और एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोहित कुमार और इस लेक्चर में बताऊंगा कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों है और ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि हम लोग सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस समझेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है इसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन जानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाई हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड एंड व्हाट राइट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइमरली जो है एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि कोई कंट्री कैसे गवर्न होगा, पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कंट्रोल होगा और क्या राइट्स होंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद तो सब हम लोग पढ़ेंगे तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानिए यदि कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता, ठीक है। इमेजिन कीजिए, ठीक है। जब आप इमेजिन करेंगे तो आप पाएंगे कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता कि इंडिया जैसा कि एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन है ना, कुछ लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, कुछ लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, कुछ लोग इस्लाम को मानते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, कुछ लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इस ऐसे क्या क्या हो सकता है, ऐसे बीच इनके बीच कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। तो इन ये कॉन्फ्लिक्शन नहीं हो, ठीक है, कोई अपनी मनमानी नहीं करे, कोई अपना डिसीजन किसी पर ना थोपे, ठीक है। तो ऐसे इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, एक जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए और इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जानते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, यानी संविधान तालमेल बैठाता है, ठीक है। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the members of a society. ठीक है, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सेकेंड क्या है, इट स्पेसिफाई डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, यह निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता के बारे में बात करता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड में जो बताया गया कि ये जो है स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग पावर्स को, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है पार्लियामेंट को दिया गया है और पार्लियामेंट में कौन जो है डिसीजन बनाता है, कौन जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है, पॉलिसीज बनाता है, कौन बनाता है, वो जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही बनाते हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा है। अब जैसे कि मोनार्की सिस्टम जहाँ पे होता है, इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे तो इंडिया जो है सॉरी इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट में बनता है, जबकि जबकि मोनार्की सिस्टम में जो है मोनार्क जो है के पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसको जो मन होता है वो करता है। यदि मोनार्क जो है अच्छा हो तो अच्छा डिसीजन लेगा, खराब हो तो खराब डिसीजन लेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है, उसको जो मन हो वो करेगा, ठीक है। आप सोवियत ओल्ड सोवियत यूनियन को देखें तो वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो वहाँ सिंगल पार्टी के पास जो है डिसीजन लेने की शक्ति थी, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो है पूरे कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो जो पूरे देश के लिए जो रूल्स रेगुलेशन पूरे देश के लिए फिट बैठे, वैसा ही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन
जो है बनता है। ठीक है, थर्ड है, थर्ड क्या है कि लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। ठीक है, ये आपने क्या किया कि गवर्नमेंट को पावर एम्पावर कर दिया कि हाँ चलो आप जो है आप जो करना चाहे करें, आप आपके और उनके पावर को जो है लिमिट नहीं किया गया। तो वो भी तो एक मोनार्की टाइप का ही सिस्टम हो जाएगा, उस सरकार को जो मन होगा वो करेगा। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार करेगा, ना कि जनता के इंटरेस्ट के अनुसार। क्यों, पावर जिनके पास आता है ना वो तो वो बहक ही जाता है। आप मुख्यमंत्री बना किसी को तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, और आप जिनको प्रधानमंत्री बना दें तो वो वर्ल्ड लीडर ही बनने का सपना देखता है। तो लिमिटेशन होना चाहिए पावर का। इसलिए द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। यानी संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे, और यह सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, फोर्थ इज इट इट फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य की पूर्ति करता है। कैसे करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को इनेबल करता है, गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि आप ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसे स्कीम्स लाए जो समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य की जो है पूर्ति करे। जैसे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में यह प्रोविजन है कि कास्ट रेस रिलीजन के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसको आप इसको जो है ये तो लॉ बन गया। तो इसको ये जो लॉ बना, ये लॉ गवर्नमेंट को इम्पावर करता है कि वो ऐसा पॉलिसी लाए जिससे कि कास्ट रेस रिलीजन को जो है खत्म किया जा सके। ठीक है, देन द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द इंस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। यानी संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार की को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब फिफ्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, कोई यूएसए का सिटीजन है, तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो हम पे कौन गवर्न करेगा, हम पे गवर्न करेगा इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और कैसे गवर्न करेगा, वो जो गवर्नमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलोंग हम पे गवर्न करेगा, ना कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अलोंग। ठीक है, अब यूएसए का जो सिटीजन है वो उस पे जो है यूएस का प्रेसिडेंट जो है गवर्न करेगा। ठीक है, यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करेगा, ना कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उस पे जो है लॉ भी जो है वो यूएस का लॉ उस पे लागू होता है, ना कि इंडिया का लॉ। ठीक है, तो द फिफ्थ एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। ठीक है, ये तो था कि संविधान का नीड क्यों है। ठीक है, अब संविधान कैसे वर्क करता है। संविधान वर्क करता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इससे पहले ये इस तीन चीजों से जो है क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। पहले डेफिनेशन तो बता दिया गया था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि कैसे कंट्री गवर्न होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल कैसे होगा, और राइट्स क्या क्या होगा। ये तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ ली, तो फिर और डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है दोस्तों। ये एक डेफिनेशन था, इसके अलावा भी डेफिनेशन हो सकता है, डेफिनेशन तो किसी भी तरह से हो सकता है। हाँ, लेकिन जो बेसिक चीज है वो उसका वो होना चाहिए।
जैसे हम लोग पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या आवश्यकता क्यों है, ये जो आवश्यकता है ना यही इसका डेफिनेशन हो सकता है। जैसे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है, इट स्पेसिफाई द डिसीजन मेकिंग पावर्स, इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, एंड इट प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी तो डेफिनेशन हो सकता है। तो आप जो है चीजों को समझे ना कि रटे, ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है आप रटेंगे, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है। अब जो है आप चीजों को समझते हैं, जैसे समझते हैं उसी हिसाब से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देन फर्स्ट में है क्या कि मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मीनिंग होता है, मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मीनिंग होता है संविधान की, सॉरी, मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मीनिंग होता है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। अब आपको बताता हूँ, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लॉन्ग लॉन्ग फ्रीडम फाइट से मिला है, ठीक है, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद मिला है ये हम लोग को, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जो भी जो है मिला है ये सब चीजें। तो ये ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए इसके पीछे कई सारे सेक्रीफाइसेस हैं, कई लोगों की जाने गई हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए कि उनकी वजह से जो है हम लोग आजाद हैं, और हम लोग जो है हमारा संविधान, हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों का हम लाभ उठा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोड ऑफ प्रोमल्गेशन में क्या है कि इंडिया, यूएसए और अमेरिका जो है एक लॉन्ग जो है फ्रीडम फाइट के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, इससे जो है बहुत सारा एक्सपीरियंसेस लिया गया है। एक मिनट, तो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मीनिंग होता है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होती है क्योंकि वे सैनिक शासकों यानी मिलिट्री रूल या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड का जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका का, यहाँ पे ऐसा कोई मिलिट्री इंकर्जन नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी, मिलिट्री रूल नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान थे जो कि ऐसे प्रावधान थे जी, जी ऐसे प्रावधान हैं जिनको जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स ने बनाया है, ठीक है, सर्व सर्व और सर्वसम्मति से बनाया है। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, ठीक है, तो जब जैसे कि फ्रीडम फाइट चल रहा था तो उसमें जो है आम लोग भी भाग लिया था, आम लोग भी भाग लिया लिए थे, ठीक है, वो उन लोगों को जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जैसे कई बड़े नेता जो कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, वो लोग जो है लीड कर रहे थे फ्रीडम फाइट को, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एक तो ये लोग स्कॉलर्स थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोर देन 60 कंट्रीज का इन्होंने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने अध्ययन किया था, और महात्मा गांधी, लॉयर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्कॉलर्स ने, ठीक है, और फ्रीडम फाइट में हिस्सा लेने वाले लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ठीक है, और ये लोग जो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे इसमें आम लोग जुड़े हुए थे और इनका फुल सपोर्ट था इन लोगों के साथ जिन्होंने जो है हमारे देश को आजादी दिलाई, ठीक है, और इन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
सेकेंड है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मौलिक प्रावधान। अब क्या है कि एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है, या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह या यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। इसलिए जो संविधान का जो मौलिक प्रावधान है, वो एक फंडामेंट, वो सभी लोगों को साथ लेकर चले, ठीक है? सिर्फ जो बहुसंख्यक है, सिर्फ जो मेजोरिटी में है, उसको ही ध्यान में रखकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है माइनॉरिटी उस चीज को आदर नहीं देगा। क्यों नहीं आदर देगा? क्योंकि उनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया गया है, उनके राइट्स का कोई बात ही नहीं किया गया है, तो ऐसे में वो आदर नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि नेपाल में जो है, जो मोनार्की सिस्टम था, उस समय पांच पांच कॉन्स्टिट्यूशन आए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया कि वहां पे लोगों की बात नहीं की गई, वहां राजा अपना सत्ता बचाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ला रहा था। बट 1990 में जो है बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है शुरुआत किया गया, जैसे कि इंडिया में है कांग्रेस बीजेपी, उसी तरह वहां पे भी किया गया। लेकिन कुछ जो है पार्टीज को ये मंजूर नहीं था कि जो है मोनार्की सिस्टम हो, ठीक है? कई तो इसे कंप्लीटली उखाड़ फेंकना चाहते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट मोनार्की खत्म हो जाए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है? इसमें जो है आपका ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, ये जो है सबसे एग्रेसिव था कि जो है मोनार्की सिस्टम साफ खत्म कर दिया जाए। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन कौन एक अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी सस्टेन कर पाता है जब उसमें सभी लोगों को जो है साथ लेकर चलने की बात की गई हो। थर्ड वन इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में क्या है, जैसे कि इंडिया में जो है लेजिस्लेचर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ये तीनों जो है एक दूसरे के पावर को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे लेजिस्लेचर में लॉ बनता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को जो है लागू करता है, और जुडिशरी जो है उस लॉ में कोई जो है, यदि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक बातों को पूरा नहीं करता हो, तो वो जो है उस चीज को जो है एबोलिश कर दिया जाएगा। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको जो है लागू करना, जुडिशरी का काम है कि वो जो लॉ बना है वो लोगों की जो है सॉवरेनिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, किसी भी चीज को जो है जो जो है ट्रेसपास ना करे, इग्नोर ना करे, उस चीज को जो है जुडिशरी देखता है। फ्रेंड्स, ये हो गई पूरी बात, लेक्चर खत्म। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।